राइट तो बज रहे रात के 3:30 और मुझे आ रही बहुत ही खतरनाक सी नींद, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ये मेरा 5वां वीडियो है और मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया डब्ल्यूबी वालों ने ब्राजीलियन कॉमिक कॉन में, और एक मन तो बोल रहा था कि जाके सो जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे याद आया मॉन्स्टर वर्स लव है हमारा और इसको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। इसीलिए पूरी की पूरी क्रेजीनेस को गले लगाते हुए एक एक करके हर एक चीज पे बात करना शुरू करेंगे जो जो चीजें इस पूरे ट्रेलर में ऑब्जर्व करी। सबसे पहले ये पूरा का पूरा ट्रेलर शुरू होता है एक साइज्मोग्राफ से। साइज्मोग्राफ वो चीजें होती है जो अर्थक्वेक को मॉनिटर करती है। तो हम एक साइज्मोग्राफ को देखते हैं जो पहले तो कोई भी रीडिंग को शो नहीं करता, लेकिन फिर ग्रेजुअली उसका कांटा धीरे धीरे करके तेजी से मूव करने लगता है और उसका रीजन भी हमें आगे पता चल जाता है, और वो होता है पिरामिड्स के आगे एक बड़ा सा हाथ निकलना, और वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि बम्बल बी का होता है ट्रांसफॉर्मर्स वाले। लेकिन फिर जब इसको आगे देखना शुरू किया तो ये जो लोहे का हाथ था इसके पीछे का रीजन भी हमको समझ में आ गया, और ऐसा क्यों है उस पर हम आगे बात करना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि इस पिक्चर में इजिप्ट के पिरामिड के सामने कुछ बड़े लंबे चौड़े कांड होने जरूर वाले हैं। इसके बाद हमें काफी इंटरेस्टिंग सा शॉट देखने को मिलता है, और वो एक बीच का शॉट है जहां पर एक सेमी सर्कल सा बनाया हुआ है। ये मैन मेड सेमी सर्कल है जहां पर हमको 5 टॉवर्स देखने को मिलते हैं, और उन 5 टॉवर्स के बीच में हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हुए जा रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है तो हो सकता है कि मोनार्क वालों की फैसिलिटी हो जहां पर इन लोगों ने एक काइजू या फिर किसी एक मॉन्स्टर को पकड़ के रखा हुआ है। बिकॉज़ अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो ये सेमी सर्कल नेचुरली मेड तो नहीं है, या तो इसको इंसान ने बनाया है या फिर किसी मॉन्स्टर ने। और इस पूरी फैसिलिटी को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि मॉन्स्टर को पकड़ के रखने के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि यहां पर ऐसे 5-6 चार्ज टाइप की चीजें भी प्लेस करी गई हैं कि मॉन्स्टर अगर भागने की कोशिश करेगा तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, जैसे हमने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में गॉडज़िला के ऊपर ड्रॉप करते हुए देखे थे जिससे वो ड्यू हो जाता है कुछ देर के लिए। तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये वैसे ही चार्जेस हो। और इस सी मॉन्स्टर को लेकर मेरी कुछ थ्योरीज हैं। अबे कौन है क्या है इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये वो चीज हो। लेकिन फिर इसके बाद का शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको हॉलो अर्थ के पहले शॉट दिखाए जाते हैं। अरे वाला शॉट देखने में काफी मजेदार था। मुझे इसको देखकर पहले लगा कि ये जो ग्रीन कलर की बीम्स है ये शायद बीम्स ऑफ लाइट है, शायद हमारे अर्थ वालों ने आर्टिफिशियली क्रिएट करी हुई है, मतलब ऐसे ड्रिल करके होल बना लिए हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखे थे, उसके थ्रू ये हॉलो अर्थ कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी रिसोर्सेस खींचने के लिए। लेकिन जब हम लास्ट वाला शॉट देखते हैं जिसमें गॉडज़िला और कॉन्ग एक साथ दौड़ रहे हैं, तो वहां पर हमको क्लियर हो जाता है कि ये एक्चुअली रेज ऑफ लाइट नहीं है बल्कि शाइनी क्रिस्टल्स हैं, व्हिच मेक्स दिस प्रीटी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हम लोगों ने हॉलो अर्थ को गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में देखा था तब हमको ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स कहीं पर भी नजर नहीं आए थे, व्हिच मीन्स या तो ये चीजें बिल्कुल नहीं है या फिर हॉलो अर्थ का ये वाला पार्ट हम लोगों ने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में नहीं देखा था। एंड इट टेक्निकली ऑल्सो मेक सेंस, अगर आप सोच के देखो तो ये ग्रीन कलर के जो है, ये हो सकता है कि हॉलो अर्थ को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करके रख रही हो। लेकिन फिर इसके बाद हमें हमारी पिक्चर का हीरो कॉन्ग दौड़ता हुआ नजर आता है, और इसके पीछे एक एयरक्राफ्ट भी है। अब ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट हमने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में भी देखा था, लेकिन ये वाला उससे काफी डिफरेंट है। वो वाला जो था वो एपिक्स को बिलोंग करता था, लेकिन ये आई डोंट थिंक एपिक्स को बिलोंग कर रहा है। अब अगर एपिक्स को बिलोंग नहीं करता तो दूसरी प्रोबेबल कंपनी जिसको बिलोंग कर सकता है वो एक ही बचती है, मोनार्क। लेकिन उसके अलावा अगर आप इस व्हीकल पे थोड़ा भी ध्यान देते हो तो इसके 2 अलग-अलग आर्म्स भी नजर आते हैं जो चीजों को पकड़ने और उठाने के लिए हैं। लेकिन इसके अगले शॉट को देखकर ये समझ में आ जाता है कि कॉन्ग एक्चुअली इस एयरक्राफ्ट से नहीं भाग रहा, क्योंकि इसके अंदर तो इसके दोस्त लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी पुरानी पिक्चर वाले बर्नी, डॉक्टर आइलीन एंड्रयूज और जिया है, और इनके साथ में एक नया कैरेक्टर भी है जिसको डैन स्टीवंस प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कॉन्ग के पास अभी भी उसकी गॉडज़िला वाली एक्स मौजूद है, और वो जैसे ही उसको उठाता है किसी पे वार करने के लिए उसको पता चलता है कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि एक बेबी एप है जो कि एक ओरैंगुटान जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट इस बच्चे पे नहीं बल्कि कॉन्ग पे ज्यादा था, क्योंकि अगर आप कॉन्ग को ध्यान से देखते हो तो कॉन्ग भी काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। मॉन्स्टर वर्स में कॉन्ग की तीसरी अपीयरेंस है, जिसमें पहली स्कल आइलैंड में थी जिसमें वो कंसिडरेबली छोटा था, फिर इसके बाद हमने उसको गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में देखा जिसमें वो अपनी अर्ली 20s टाइप की एज में था, तो वो गॉडज़िला के थोड़ा सा इक्विवेलेंट सा फील हुआ। लेकिन इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे कॉन्ग भाई साहब की दाढ़ी वगैरह उगाई है, तो इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये वाला कॉन्ग काफी मैच्योर हो चुका है, एंड आई एम श्योर दैट ही हैज गॉन थ्रू सम शिट इन हिज लाइफ। बट दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर हमको एक हैंड प्रिंट दिखाया जाता है। ये वैसे ही हैंड प्रिंट है जो अभी तक हम कॉन्ग से रिलेट करते आए हैं। सबसे पहले हमने स्कल आइलैंड में देखा था जो कॉन्ग और उसके पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा था, इसके बाद हमने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में भी देखा था हॉलो अर्थ में, जिससे कॉन्ग अपने आप को रिलेट करता है और वो हॉलो अर्थ के दरवाजों को खोलता है। और एक बार फिर से हम हॉलो अर्थ में ही इस वाले प्रिंट को देखते हैं, जिसको देखकर डॉक्टर एंड्रयूज कहती है कि नहीं,
ये कॉन्ग का नहीं है, और सच में ये प्रिंट कॉन्ग का नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के कॉन्ग वाले प्रिंट से कंपेयर करके देखते हो तो ये गोरिल्ला का प्रिंट नहीं है। व्हेयरएज़ ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको किसी ओरैंगुटान के हैंड प्रिंट से कंपेयर करोगे तो इट परफेक्टली रिजेंबल्स दैट प्रिंट। और आज से कुछ ही दिनों पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के पोस्टर्स रिलीज करे गए थे, उनमें भी यही सेम हैंड प्रिंट दिखाया गया था, विच मेक्स इट एब्सोल्युटली सर्टेन कि वाला पॉ प्रिंट जो है उसी को बिलोंग करता है, जिसका मतलब बहुत हद तक क्लियर है कि ये जो टेरिटरी है ये ओरैंगुटान को बिलोंग करती है। लेकिन इसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग शॉट देखते हैं, जहां पर कॉन्ग एक खाई में जंप कर रहा है, अपने एक्स को यूज करता है वो एज लेवरेज, और जैसे ही वो जंप करता है तो यहां पर बिल्कुल अंधेरा है लेकिन कई सारे क्रिस्टल्स हैं जो ग्लो कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप नोटिस करोगे तो उसकी जो एक्स है वो भी ग्लो कर रही है, और हम सब लोग जानते हैं कि कॉन्ग की एक्स तब ग्लो करती है जब गॉडजिला या फिर हॉलो अर्थ उसको चार्ज करे। इस पूरे सिनेरियो में गॉडजिला और उसके एटॉमिक ब्रेथ तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। मे बी ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हॉलो अर्थ की एनर्जी सिग्नेचर्स में बहुत ही ज्यादा हेविली लोडेड है और इसी वजह से कॉन्ग की एक्स जो है वो ग्लो कर रही है। एंड जहां तक मुझे लगता है तो इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर होगा इस मूवी में। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इसी सीन में हम कई सारे बोन्स को भी देख सकते हैं, और शॉट में हमें कई सारे एप्स के स्कल्स भी दिखाए हुए हैं। क्या ये कॉन्ग के एंसेस्टर्स थे? अगर थे तो ये यहां पर क्यों आए? अगर यहां पर आए थे तो इनकी यहां पर डेथ कैसे हुई? There are so many questions. और जैसे सारे सवाल कम थे तो और भी ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम अगले ही शॉट में इंसानों को देखते हैं हॉलो अर्थ में। बिकॉज ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हॉलो अर्थ से मैच खा रही है, वो ग्लोइंग क्रिस्टल्स, वो नियॉन लाइट्स, वो इलेक्ट्रिक कलर्स, ये सब कुछ हॉलो अर्थ का है। तो इसका मतलब ये है कि हॉलो अर्थ में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के बीच में इंसान भी सर्वाइव कर रहे हैं, और इतना ही नहीं इनके पास वेपन्स हैं, कपड़े हैं, और ये प्रोबेबली जितने भी मॉन्स्टर्स हैं शायद उनको पूछते हैं। अलग मेरा ख्याल है तो जैसे हमने कॉन्ग स्कल आइलैंड में इंसानों को कॉन्ग की पूजा करते हुए देखा था, कुछ कुछ यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि जितने भी इंसान लोग हैं ये या तो ओरैंगुटान या फिर बाकी दूसरे मॉन्स्टर्स को पूछते हों और इतने सालों से वैसे ही सरवाइव कर रहे हो। क्योंकि इसी वाले शॉट पे हम जिया को कुछ सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो सीढ़ियां किसी गॉड की तरफ लीड कर रही हों, फिर ऊपर जाके वो किसी एनर्जी सिग्नेचर्स को टच करती है, जो शॉट देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। आई होप ये एनर्जी सिग्नेचर्स रेडियो एक्टिव नहीं हो, नहीं तो जिया जी गई। और इसके बाद हम बैकग्राउंड में आवाज सुनते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कॉन्ग इस थ्रेट का अकेले सामना नहीं कर सकता, और फिर वो कहते हैं कि उसे अकेले करना भी नहीं है। एंड देन द किंग अराइव्स, नहीं लिटरली द किंग अराइव्स, क्योंकि हम उसको कहीं एंटार्क्टिक में हाइबरनेट करते हुए देखते हैं। और ये शॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें वही सेम एनर्जी सिग्नेचर्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले हॉलो अर्थ में देखे थे, जिनसे जिया प्ले अराउंड कर रही थी, और वो सारे के सारे इंसान लोग भी। ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि गॉडजिला आर्कटिक एंटार्क्टिक जहां पर भी है हाइबरनेट कर रहा है, और प्रोबेबली हॉलो अर्थ के ही किसी पॉकेट से अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब एनर्जी सक कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो कलर्स तो वो सेम है, लेकिन उसके साथ में वेन जैसे स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं जो बता रहा है कि गॉडजिला बस ऐसे ही हाइबरनेट नहीं कर रहा कि जाके सो गया है, वो कहीं ना कहीं से अपनी एनर्जी को खींच रहा है। गॉडजिला को चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी जो उसको इंसानों के अलावा सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती है, और वो है हॉलो अर्थ। बस गॉडजिला की मेहनत रंग लाई जो उसने हाइबरनेट किया था इतने सालों तक, पता नहीं कितने सालों से कर रहा था, वो हाइबरनेट करने के बाद निकला गुलाबी गुलाबी गुलाबी। अब बोलो गॉडजिला तूने पिंक पहना है तो तू, मेरे को तो बड़ा बोल रहे थे, बोलो। यार तो गॉडजिला बर्फ तोड़ के बाहर निकलता नहीं, एक्चुअली उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे हैं, तो प्रोबेबली इन लोगों ने गॉडजिला को उसकी नींद से जगाया होगा। जब ये जगाएंगे तो इनको खुद भी यकीन नहीं होगा कि हमारा गॉडजिला नीलू से पिंकू कैसे हो गया। लेकिन क्योंकि पिंकू हो चुके हैं तो फिर इनके बारे में कुछ बता भी देता हूं मैं आपको। तो गॉडजिला दिख तो बढ़िया रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक थोड़ा सा रेफरेंस हो गॉडजिला 2000 को लेकर, तो कुछ इसी पिंक कलर का दिखता था। और जैसे ही गॉडजिला उठता है उसके अगले शॉट में हमको इस मूवी के मेन विलन भी दिखा दिए जाते हैं, एंड दैट इज संतरा। अब देखो ट्रेलर में तो हमको इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन इंटरनेट पे इसका नाम बहुत ही अच्छे से जग जाहिर हो चुका है, इसका नाम स्कार किंग होने वाला है मूवी में। लेकिन इस ट्रेलर को देख के इस बंदे या इस बंदर को लेकर काफी इंटरेस्टिंग डिटेल भी पता चल जाती है। सबसे पहले तो ये ओरैंगुटान जैसा दिखता है, एंड अपेरेंटली ये अकेला नहीं है, क्योंकि इसके अगले ही शॉट में हमको कई सारे एप्स और भी दिखाए जाते हैं जिनको ये प्रोबेबली कमांड कर रहा है। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये जितने भी सारे बंदर खड़े हुए हैं इन सब के ऊपर एक रेड कलर का मार्क बना हुआ है जो मुझे लगता है कि स्कार किंग के स्कार्स हैं। और जैसे ही उन सब बंदरों के सामने कूदता है तो सारे के सारे बंदर थोड़े सहम से जाते हैं, सिवाय एक एप के जिसके ऊपर इसका मार्क नहीं है, और वो इसीलिए नहीं सहमता बिकॉज कॉन्ग
bows to no one other than Godzilla. He bowed to Godzilla. लेकिन Godzilla की बात अलग है. Godzilla OP छिपकली है. उसके सामने हर किसी को बाव करना पड़ता है. That does not count. अगर आप नोटिस करोगे तो हमें इसी शॉट में Kong नजर आता है, क्योंकि उसकी चेस्ट पे obviously वो सारे scars बने हुए हैं. उसके जो battle scars हैं वो बाव नहीं करता. लेकिन वहीं साइड में वो छोटा वाला बच्चा orangutan भी खड़ा हुआ है. इस वाले शॉट में ये बात तो क्लियर हो जाती है कि Kong और Scar King का आपस में फेस ऑफ बहुत भयंकर होने वाला है. एंड जहां तक मुझे लगता है तो इट इज नॉट गोइंग टू गो वेल फॉर Kong. और ऐसा क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा. फिलहाल के लिए अगर हम Scar King पे बने रहे तो यहां पर एक चीज और भी नोटिस हो जाती है, और वो है Scar King के ऊपर बंधा हुआ रीढ़ की हड्डी का हंटर. नहीं, इसने लिटरली किसी मॉन्स्टर के वर्टिब्रल कॉलम को अपनी टॉर्सो से बांध रखा है, जिसको प्रोबेबली ये मूवी में एक विप्लैश की तरह यूज करेगा. वप्पा! लेकिन इसके अगले शॉट से हमें एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चलती है कि Scar King सिर्फ हॉलो अर्थ में नहीं रहने वाला, ये बाहर भी निकल के आएगा सरफेस पे. और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप हॉलो अर्थ में हो तब तक तो ठीक है, लेकिन एज सून एज यू कम ऑन द सरफेस तो फिर आपने Godzilla को भी चैलेंज कर दिया, और फिर Godzilla आपके पीछे आएगा. फिर इसके बाद Godzilla को हम पिंक कलर के एटॉमिक ब्रेथ फायर करता हुआ देखते हैं, जो काफी बैडएस सा शॉट था. आई डिड नॉट इमेजिन कि मैं अपनी जिंदगी में जीते जी एक पिंक कलर के एटॉमिक ब्रेथ देखूंगा. और फिर आखिरी में Godzilla और Kong Infinity War टाइप का शॉट देते हुए एक साथ दौड़ते हैं. लेकिन यहाँ पे मैंने कई सारी चीजें नोटिस करी. सबसे पहले तो इन लोगों ने Godzilla के सिर्फ कलर पैटर्न को चेंज नहीं किया, Godzilla के डिजाइन को पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया गया है. ये स्लिम हो चुका है पहले से, स्पेशली द लोअर पार्ट. उसके बाद जो Godzilla के छोटे हाथ हुआ करते थे वो लंबे हो चुके हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों किया गया है. ऑब्वियसली टू गिव एन एडवांटेज, क्योंकि सामने वाला बंदा जो है वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को बहुत अच्छी तरह से यूज करेगा, प्लस वाली चीज भी. लेकिन इसके साथ ही साथ Kong भाई साहब निहत्ते नहीं है, उनके पास भी एक अपग्रेड है, एंड दैट इज द इंफिनिटी गॉन्टलेट. लेकिन मुझे लगता है कि जो अपग्रेड है ये मजबूरी में किया गया है. आई थिंक कि जो पहला एनकाउंटर Scar और Kong का हुआ था, जिसमें Kong उसके सामने बाउ डाउन नहीं करता, वो Kong के लिए अच्छा नहीं जाता, बिकॉज उसमें Scar King प्रोबेबली Kong का हाथ तोड़ देगा. एंड देन Kong के पास इंसानों की मदद लेने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वो उसे एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना के करेंगे. लेकिन यहां पर मेरी एक थ्योरी और भी है, और वो ये है कि चीजें जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं. Godzilla और Kong Scar King को बहुत आराम से ओवर पार कर लेंगे. अगर आप सोच के देखो तो Scar King अपने आप में सिर्फ एक मंकी तो है. आई थिंक कि जितना ये ट्रेलर हमें दिखा रहा है उससे ज्यादा छुपा रहा है, बिकॉज़ आई फील कि Scar King आल्सो हैज ए मॉन्स्टर अंडर हिज बेल्ट. Kong का रिडेम्पशन तो Scar King हो जाएगा, लेकिन Godzilla के लिए भी तो कोई मॉन्स्टर चाहिए ना. तो आई थिंक देयर इज वन मोर मॉन्स्टर जो हमको इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया. चिंता मत करो, वो कौन है क्या है उसको भी धीरे से फिगर आउट कर लेंगे. आप एक बार खोजना शुरू करेंगे तो निकल ही आएगा. लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतने ही रखते, 6 घंटे का नहीं बनाते, मेरे को नींद शुरू हो चुकी है बहुत तेजी से. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना. मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे से अच्छा बताने की, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो प्लीज कमेंट्स बताना मत भूलना. और हाँ, सब्सक्राइब तो भूल से ही गए हो आप लोग. तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज पापा. नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है. अरे भाई, एक रुमाल देना मनीष. देखो मैं रो नहीं रहा हूं.